Welcome back. The Indian Meteorological Department predicted very heavy rains in Gujarat after torrential rains that battered the state. Gujarat now faces a threat of a cyclonic storm that's likely to hit Kutch. As a result, several thousand people have been moved to safety from vulnerable areas. Let's take a look at some ground reports by my colleague Hiten. पोरबंदर में बाढ़ के बाद कुछ इस तरीके की स्थिति है कि लोगों के पास खाने के लिए ना राशन है ना कुछ है, क्योंकि घरों घर पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से नाव के जरिए यहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। अब देखिए, लोग कहीं ना कहीं बीते 6 दिनों से सिर्फ पानी में है, ऐसे में उनके पास खाने के लिए भी कुछ है नहीं। जब घर के अंदर का पूरा सामान बह चुका है, राशन बह चुका है, तो कहीं ना कहीं अब लोग यहाँ पर फूड पैकेट भी बांटते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी दे रहा है, संस्था भी दे रही है, हर कोई मदद करता नजर आ रहा है। जो इस वक्त फूड पैकेट वितरण कर रहे हैं हार्दिक भाई, उन्हीं से हम बात करेंगे कि कितने दिन हो गए, करीब 5वां दिन होगा ये पोरबंदर का आज। किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस इलाके में? अब तक जो जो इलाके में बाढ़ का पानी आया उस इलाके में लास्ट 5 दिन से फूड पैकेट दे रहे हैं। इंडियन रेस्को सोसाइटी और पायोनियर क्लब पोरबंदर द्वारा ये फूड पैकेट दे जा रहे हैं। कोई संस्था भी है मदद कर? इंडियन रेस्को सोसाइटी और पायोनियर क्लब पोरबंदर। और जो यहाँ के स्थानीय नेता वगैरह है, विधायक, कॉरपोरेटर या नगर निगम की तरफ से आपको दिया जाता है कभी के फूड पैकेट बांटिए, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे? हाँ, हमारे इधर के MLA अर्जुन भाई मोटवाड़िया, उसके छोटे भाई है रामदेव भाई मोटवाड़िया, इसी की तरफ से फूड पैकेट दिया जा रहा है। और एक संस्था है उसके खुरावा है, वो तीनों साथ में मिलकर ये सब फूड पैकेट दे रहे हैं। Moving on, a truck fell off the Delhi-Ajmer expressway and crashed onto a water tanker tractor. The truck likely careened off the road due to excessive speed, breaking through the expressway railings and falling onto a water tanker passing on the service road below. That visual is on your screens at the moment, where you can see the truck falling off the road right on top of a water tanker tractor. A quick break with that. News and updates will continue.